हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। हाउडी, जी हां, हाउडी का मतलब होता है हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कॉमन फ्रेजेस जो जनरली यूज होती हैं। अब बेसिक इंग्लिश कोर्स हमारा यहां तक ही था, फिनिश हो चुका है। जितने भी हमें रूल्स जानने थे, समझना था, वो सब चीजें हैं। अब आपको जो मेन चीज जाननी जरूरत है वो फ्रेजेस है, स्लैंग्स है, इडियम्स है, यही मेन चीजें होती हैं जो आप बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश की तरफ लेके जाती हैं। तो मैं आपको यहां पर कुछ 50+ फ्रेजेस बताने वाला हूं, कॉमन फ्रेजेस जो जनरली कन्वर्सेशन में यूज होती हैं और जिनको हम नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम उसको बेसिक जो ट्रेडिशनल इंग्लिश होती है उसके हिसाब से, नियम कानून रूल के हिसाब से फॉलो करना चाहते हैं, जो कि होती नहीं है। कहते कुछ है और होता कुछ है, इसी को कहा जाता है आपका फ्रेजेस। तो फ्रेजेस जनरली स्लैंग भी होती हैं, आपको बिल्कुल ये रट लेना और बार बार कन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो ये आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगी। तो सबसे पहले हाउडी, हाउडी आपने सुना होगा, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। अभी प्रोग्राम हुआ था अमेरिका में जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए लेकर आ गया था हाउडी मोदी, हाउ डू यू डू मोदी जी। तो हाउडी का मतलब होता है आप किसी से कह रहे हैं हाउ डू यू डू। आप किसी से भी कह सकते हैं, अपने फ्रेंड से कहते हैं हाउडी अमन, हाउडी सुमित, हाउडी सरवन। तो आप इस तरीके से किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू की जगह हाउडी, ये आपका फ्रेज होता है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड फील ब्लू, फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब होता है कि आप बीमार हैं। क्या है? आप बीमार हैं। जैसे आई फील ब्लू, आई फील ब्लू का मतलब आई एम सिक या आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो आई फील ब्लू, आई फील ब्लू का मतलब होता है कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं। समझ में आई बात? तो फील ब्लू। नेक्स्ट पे आते हैं हम, व्हाटएवर। कई बार आपने मूवीज में बहुत सारी लड़कियों के मुंह से सुना होगा व्हाटएवर, व्हाटएवर। अब व्हाटएवर का मतलब स्लैंग फॉर्म में, फ्रेज फॉर्म में होता है आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। कभी होता ना, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो आप कहते व्हाटएवर, व्हाटएवर मतलब आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो व्हाटएवर, व्हाटएवर का मतलब ये फ्रेज फॉर्म में क्या होता है, आई डोंट केयर। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो एक पर्सनैलिटी होती है लोगों की। काउच पोटैटो का मतलब उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत लेजी पर्सन होता है। बहुत लेजी पर्सन कैसा है कि जो घर में बैठा है, दिन भर पड़ा हुआ है, टीवी देखना, खाया पिया सो गया, बस कुछ काम करना ही नहीं है। तो बहुत लेजी पर्सन को हम कहते हैं काउच पोटैटो। क्या कहते हैं? काउच पोटैटो। जैसे कि शाम सच है काउच पोटैटो पर्सन, मतलब कि यार कैसा है शाम, कितना काउच पोटैटो पर्सन, दिन भर टीवी देखना, खाना खाना, इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद दिन भर टीवी देखता रहता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। तो ऐसे सिर्फ इतना कुछ बोलने सच्चे का आप सीधा बोलेंगे कि काउच पोटैटो। जैसे ही इज काउच पोटैटो, वो काउच पोटैटो बहुत लेजी पर्सन है, काउच पोटैटो। गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ, बहुत सारे लोग बोलते कई बार गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ का मतलब होता है स्टॉप बीइंग लूजर, स्टॉप बीइंग लूजर, मतलब लूजर मत बनो यार, गेट अ लाइफ। जब कहते हैं ना कि अरे यार, वो कहते हैं यार वो ऐसा है, वो मेरे को ऐसा कर देगा, आप बस बहुत लूजर तरीके से बिहेव करते, तो आप सामने वाला कहता है गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ मतलब स्टॉप बीइंग लूजर, लूजर बनना छोड़ो, गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ। तो बार बार बोलते तो ये अब लोग कहते हैं गेट अ लाइफ, आप समझ ही नहीं पाए क्यों, क्योंकि ये फ्रेश था। गेट अ लाइफ मतलब स्टॉप बीइंग लूजर, स्टॉप बीइंग लूजर। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब क्या होता है? हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना, गो टू बेड, सोने जाने के लिए हिट द सैक बोलते हैं। जैसे आई एम हिट द सैक, आई एम हिट द सैक, इसका मतलब ये है कि मैं सोने जा रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ। समझ में आई बात? हिट द सैक, या आप किसी को बोलना चाहे कि जाओ भाई सो जाओ, तो हिट द सैक। किसी से कह रहे हो भाई साहब जाके सो जाओ, आप कह दो प्लीज हिट द सैक, हिट द सैक। फ्रेजेस को ज्यादातर सेंटेंस में यूज नहीं करते, वो फ्रेजेस ही ऐसे ही बोल दो हिट द सैक। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही लोग समझ जाते हैं, हालांकि सेंटेंस में भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कई बार सुना है कि डू हैव एनी क्लू, तो आप कहते हैं नो क्लू, नो क्लू का मतलब था आई हैव नो आइडिया। कहते हैं आपके पास कोई क्लू है? नो क्लू, नो क्लू मतलब आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो नो क्लू। क्या बोलेंगे? नो क्लू। जब आपको बोलना आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो आप क्या बोलेंगे? नो क्लू। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, तो इसको आप फ्रेश फॉर्म बोलेंगे आई गेट इट, आई गेट इट, या आई गॉट इट, आई गेट इट मुझे समझ आ गया है, और आई गॉट इट मैं समझ गया हूँ। आई गॉट इट, आई गेट इट, आई गेट इट मतलब प्रेजेंट में बोलेंगे, और आई गॉट इट आप पास्ट में बोलेंगे, आई गॉट इट या आई गेट इट, समझ गए? तो आई गॉट इट या आई गेट इट, आई गॉट इट या आई गेट इट, दिमाग पे आपको ये देना है कि आप पास्ट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, आई गेट इट, पास्ट के लिए बोलेंगे तो आई गॉट इट, गॉट इट, वेरी गुड। जैसे बोलते हैं कि मेरी गलती है, माय मिस्टेक, तो यहाँ पर इसको फ्रेश फॉर्म बोलते हैं माय बैड, इट्स माय बैड, मतलब ये मेरी गलती है, इट्स माय बैड। तो माय मिस्टेक की जगह आप बोलेंगे माय बैड, इट्स माय
बेड, ठीक है, वेरी गुड। इट सक्स्ड इसका मतलब है बहुत परेशान करने वाली, बहुत खराब चीज, उसको बोलेंगे इट सक्स। जैसे कि पार्टी कैसी थी, बहुत खराब थी, कोई मतलब नहीं, तो इट सक्स या इट सक्ड, यार उसने तो मेरा दिमाग खा लिया, यार मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने, मतलब ही सक्ड या ही सक। इस तरीके से आप बोलेंगे तो वो आपका एक फ्रेज वर्ड हो जाएगा, समझ में आया, इट सक्ड या फिर इट सक्स, डिपेंड करता है प्रेजेंट और पास्ट में। जैसे कई बार आप बोल रहे थे इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जनरली लोग बोलते हैं नो बरी, अपन कहते हैं इट्स ऑल राइट, तो ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं नो बरीज, क्या बोलेंगे, नो बरीज, इट्स ऑल राइट की जगह आप बोलेंगे नो बरीज, इट्स ऑल राइट मतलब नो बरीज, गॉट इट, वेरी गुड। कायर व्यक्ति को कॉवर्ड बोलते हैं, कॉवर्ड मतलब होता है आपका कायर व्यक्ति, लेकिन इसको फ्रेज में चिकन बोलते हैं, चिकन का मतलब भी यही होता है, कायर्ड व्यक्ति, चिकन मीन्स कायर्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्रीपर, क्रीपी, क्रीपी पर्सन या क्रीपर, उसको बोलेंगे जो बहुत ही मतलब बियर्ड पर्सन हो, खराब पर्सन हो, उसको हम क्रीपी बोलते हैं, जो गंदी नज़र रखता हो, गंदी निगाहें रखता हो, गंदा व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, क्रीपी या क्रीपर बोलते हैं। टॉप नॉच, टॉप नॉच का मतलब ये होता है एक्सीलेंट, वेरी गुड, तो आजकल एक्सीलेंट की जगह टॉप नॉच बोलते हैं, या इट्स टॉप नॉच, टॉप नॉच, तो टॉप नॉच वर्ड यूज करें, टॉप नॉच, एक्सीलेंट की जगह क्या यूज करें, टॉप नॉच, कई बार सुना होगा आपने टॉप नॉच। जनरली हम बोलते हैं आई एम सॉरी, लेकिन आप फ्रेज में इसको बोल सकते हैं फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी का मतलब भी होता है आई एम सॉरी, तो फ्रेज में बोलेंगे फॉरगिव मी, आई एम सॉरी को बोलेंगे फॉरगिव मी। हम कहते हैं जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, तो इसको फ्रेज में बोलेंगे शेक अ लेग, शेक अ लेग, शेक अ लेग का मतलब भी होता है हरी अप, शेक अ लेग मतलब हरी अप, जल्दी करो मतलब शेक अ लेग। गुड लक, गुड लक जब हम बोलते हैं मतलब फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड, आपने व्हाट्सएप पर आपका एक इमोजी है क्रॉस फिंगर रहती है, तो आपको किसी को गुड लक बोलना हो तो आप उसको बोल सकते हैं फिंगर क्रॉस्ड, ऐसे करके जो फ्रेज फॉर्म में होता है, जैसे किसी को बोलना हो तो आप गुड लक जैसे बोलते, जाते जाते आप ऐसे कर दो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भैया ये हमको गुड लक विश कर रहा है। अब जैसे क्या होता है, कई बार हम किसी को कहते हैं वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, तो इसको आप बोल सकते हैं फ्रेज दैट्स द वे, मतलब वेरी गुड ही बोलते, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश देते, तो आप बोलेंगे दैट्स द वे, दैट्स द वे, दैट्स द वे। आई नो दैट को फ्रेज फॉर्म में बोलते हैं यू टेलिंग मी, आई नो दैट को बोलते हैं यू टेलिंग मी, यू टेलिंग मी। हाउ आर यू, हाउ आर यू को फ्रेज फॉर्म बोलेंगे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, ये व्हाट्सएप नहीं कह रहा हूँ, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। यू कन्विंस्ड मी, यू कन्विंस्ड मी को बोलने के लिए यू सोल्ड मी, ये एक फ्रेज होता है, यू कन्विंस्ड मी, जैसे आपने किसी को कन्विंस किया तो सामने वाला बोलेगा यू कन्विंस्ड मी, उससे आप कन्विंस्ड की जगह वो बोलेगा यू सोल्ड मी, फ्रेज फॉर्म में क्या बोलेगा वो, यू सोल्ड मी, यू सोल्ड मी। डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट को अगर हमें बोलना हो फ्रेज फॉर्म, तो बोलेंगे थिंग्स हैपन, थिंग्स हैपन या थिंग्स हैपन, डोंट बी अपसेट, किसी को बोलना प्लीज अपसेट मत हो, तो वहां पर फ्रेज फॉर्म में होता है थिंग्स हैपन, थिंग्स हैपन। इट्स वेरी इजी, कहते हैं ये तो बहुत सरल है, तो इसको फ्रेज में बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल काम, इट्स अ पीस ऑफ केक, बहुत सरल है, पीस ऑफ केक। सी यू लेटर, सी यू लेटर बोलते ना कि सी यू लेटर बाद में मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं कैच अप, क्या बोलेंगे, कैच अप, कैच वो वाला कैच अप नहीं, सॉस वाला, ये सी ए टी सी एच, कैच अप वाला ही कैच अप, कैच अप, कैच अप का मतलब यही होता है सी यू लेटर। जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके बोलते हैं आई विल पे दी बिल, तो आपको यहाँ पर आई विल पे दी बिल का जो ना इट्स ऑन मी, क्या बोलेंगे, इट्स ऑन मी, मतलब बिल मैं पे करूंगा, तो इसको आप फ्रेज फॉर्म में बोलेंगे इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। Oh my God, oh my God, जनरली आप सुना oh my God, oh my God को blimey, blimey, blimey का मतलब भी होता है oh my God, फ्रेज फॉर्म में हम बोल सकते हैं oh my God को blimey, blimey। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कूल होता है, मतलब कुछ ज्यादा ही कूल, कैसे भी बाल कर रहा है, कैसे ही कपड़े पहन रहा है, आप क्या कहते हैं, इट्स वेरी कूल, बहुत कूल है, तो उसको फ्रेज फॉर्म बोलते हैं दैट्स सिक, दैट्स सिक, दैट्स सिक। वेस्टिंग टाइम, जनरली कहते हैं यार ये तो वेस्टिंग टाइम चीज है, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम को बोलते हैं गूफ ऑफ, गूफ ऑफ, मतलब कि ये मूवी तो वेस्टिंग टाइम है, तो दिस मूवी इज गूफ ऑफ, दिस मूवी इज गूफ ऑफ, गूफ ऑफ का मतलब होता है वेस्टिंग टाइम। अब कहते हैं ना गो टू हेल, गो टू हेल एक रूड वे में कहना होता है कि प्लीज लीव मी अलोन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, उसके लिए बोलते हैं गो टू हेल, ये रूडली बिहेवियर कह दिया, गो टू हेल मतलब लीव मी अलोन, मतलब जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, निकलो, लीव मी अलोन कहने का मतलब लीव मी अलोन, ये रूड बिहेवियर होगा। अगर आपको थोड़ा आराम से कहना है, पोलाइटली कहना है, तो आप कह सकते हैं गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक का मतलब होता है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, तो इस तरीके से हम इसमें फ्रेज यूज कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ये आप मुझे लिख देना, राइट मी, तो हिट मी अप, हिट मी अप, जैसे जनरली बोलते प्लीज हिट मी अप दिस लेटर, मतलब राइट, हिट मी अप का मतलब राइट मी, मुझे लिखो, राइट मी, तो हिट मी अप दिस लेटर।
तो मुझे ये लेटर लिख देना। तो हिट मी अप मतलब होता है राइट मी, हिट मी अप मतलब होता है राइट मी। जैसे आप कहते हैं डोंट वरी, कहते हैं ना डोंट वरी, डोंट कोई दिक्कत, डोंट वरी आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, नेवर माइंड मतलब फ्रेज में कैसे बोलेंगे नेवर माइंड, नेवर माइंड का मतलब होता है डोंट वरी, डोंट वरी। और जब कोई बहुत शांत होता है, कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कुछ होने तो कहता है कि आपको क्या हुआ, तो आप कहते हैं ना कि इतना चुप क्यों है, हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, इतना चुप क्यों है, तो उसको हम फ्रेश फॉर्म में बोल सकते हैं कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग। या हमें अगर किसी बोले प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब चुप रहिए, शांत रहिए, तो आप इसको बोल सकते हैं बाइट योर टंग, बाइट योर टंग का मतलब होता है कीप क्वाइट, बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है कीप क्वाइट। तो गाइस इसी के साथ जो आपकी फ्रेजेस थी, मैंने इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारी कोशिश करी जो कॉमनली हम यूज करते हैं उसको कवर करने की। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जनरली इन फ्रेजेस को यूज करते होंगे और आप सुनते भी होंगे टीवी में, न्यूज में, मूवीज में, सब जगह आपको ये दिखते भी होंगे, सुनते भी होंगे आप। ये जो वीडियोज है आपको अगर वाकई में यूजफुल लगा, पूरा कोर्स यूजफुल लगा, तो प्लीज जरूर फीडबैक बॉक्स में जरूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, इन सबको रिकमेंडेड करें ये कोर्स परचेज करने के लिए और कोर्स से इंग्लिश बोलने के लिए उनकी आप हेल्प कर सकते हैं इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।